आज हम साथ के टेबल से सिंपल सूट की कटिंग करना सीखेंगे। सबसे पहले हम सूट से मेज़रमेंट लेना सीखेंगे, उसके बाद हम लेंथ मेज़र करेंगे। यहाँ मैंने लेंथ 40 ली है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। उसके बाद हम चेस्ट की मेज़रमेंट लेंगे, आपकी जितनी भी चेस्ट है उसे मेज़र करेंगे और उसे दो से डिवाइड कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ 20 ली है, उसे दो से डिवाइड किया और 10 ले ली है। उसके बाद हम कमर पर निशान लगाएंगे, कमर मैंने यहाँ 18 ली है, उसे दो से डिवाइड करेंगे और मैंने कमर 9 ले ली है। उसके बाद हम हिप पर निशान लगाएंगे, हिप मैंने 21 ली है, उसे दो से डिवाइड किया है और 10.5 ले ली है। अब हम बैक पैनल कट करेंगे, बैक पैनल को मैंने डबल फोल्ड किया है और अब हम इसे कट कर लेंगे। अब हम शोल्डर लाइन पर निशान लगाएंगे, शोल्डर लाइन मैंने यहाँ 6.5 ली है। उसके बाद हम आर्म होल पर निशान लगाएंगे, आर्म होल मैंने यहाँ 7 लिया है। अब हम इन दोनों निशानों को मिला लेंगे। कर्व शेप देने के लिए हम डेड पर निशान लगाएंगे। और अब हम कर्व शेप दे लेंगे। मैंने चेस्ट साइज यहाँ 10 ली है और 2 हम मार्जिन एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे। अब हम 7 की टेबल का यूज़ करेंगे। जैसे आर्म होल हमने 7 ली थी, उसके बाद कमर 14 और हिप 21 लेंगे। अब मैं अपनी कमर पर निशान लगाऊंगी, कमर मैंने यहाँ 8.5 ली थी, उस पर मैं निशान लगा लूँगी। उसके बाद मैं हिप पर निशान लगाऊंगी, हिप मैंने यहाँ 10.5 ली है, उस पर निशान लगा लिया है। अब हम इन निशानों को मिला लेंगे। अब हम इन्हें कट कर लेंगे। हमारी बैक पैनल की कटिंग हो चुकी है, उसके बाद हम बैक पैनल को फ्रंट पैनल पर रखेंगे। अब हम इसे भी कट कर लेंगे। उसके बाद हम बैक पैनल को हटा देंगे और फ्रंट पैनल में हम 1 एक्स्ट्रा लेकर कटिंग करेंगे। अब हमने इस पर निशान लगा लिया है, उसके बाद हम इसे भी कट कर लेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।